बेस्ड ऑन व्हाट बेटा कॉस्ट शीट. सो फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस अश्विन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड. कंपनी नेम इज व्हाट? मिसेस अश्विन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्टली दिया बेटा. ऑफिस सैलरी. ऑफिस सैलरी, यस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है. कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल. कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग ओवरहेड्स. कैरेज आउटवर्ड इज व्हाट? सेलिंग ओवरहेड्स. सेल्स अपना मेन आइटम सेल्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, राइट. फिनिश गुड्स आपका किधर आएगा बेटा? फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वेयर इट विल कम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, पता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी एडेड. वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस किधर आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यस. फैक्ट्री ओवरहेड्स, परफेक्ट, परफेक्ट एवरीवन, शाबाश. ओके, सो वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट, यस, परफेक्ट, परफेक्ट, वर्क ओवरहेड्स, वेल डन बेटा, वेल डन. देन ट्रेवलिंग एक्सपेंस. ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज व्हाट? सेलिंग ओवरहेड्स, यस और नो? ठीक है, देखो ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका ऑफिस ओवरहेड्स में भी, ऑफिस ओवरहेड्स में भी बाइफर्केट होता है, सेलिंग में भी जाता है. बट नॉर्मली अगर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज देयर, देन ट्रीट इट एज अ सेलिंग ओवरहेड्स. सो यू कैन सी हियर, इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट? नो. तो आप ट्रीट करो इसको कि ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, दैट इज गिवन फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, राइट. सो सेलिंग ओवरहेड्स, यस, वेल डन ऐशिका, वेल डन जयश्री, परफेक्ट. Now, after traveling expense, interest on capital. Interest on capital. Interest on capital क्या होगा बेटा? Interest on capital. Interest on capital is the financial item. Financial item, तो financial item है तो भाई ये तो आएगा नहीं. Financial item is to be ignored while preparing cost sheet. तो ये ignore हो जाएगा, ठीक है. Advertising. Advertising आपका, यस, सेलिंग ओवरहेड्स. एडवर्टाइजिंग तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए होता है ना बेटा, सो दैट इज व्हाट? सेलिंग ओवरहेड्स. पावर. पावर क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. देखो, इफ ओनली पावर इज गिवन, इफ ओनली पावर इज गिवन, तो दैट इज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. इफ डायरेक्ट पावर दिया है तो डायरेक्ट पावर. भाई पावर दिया है तो फैक्ट्री ओवरहेड, बट अगर डायरेक्ट पावर है तो, यस, डायरेक्ट पावर रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, याद रखना. चलो, तो हियर इट इज ओनली पावर, ओनली पावर, सो दैट इज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, इनकम टैक्स फाइनेंशियल आइटम है, बराबर है. इनकम टैक्स तो कॉस्ट शीट से रिलेटेड है ही नहीं भाई, टैक्स प्रोविजन, टैक्स भरना, ये सब कॉस्ट शीट से रिलेटेड तो है ही नहीं, सो ये इग्नोर्ड हो जाएगा बेटा. एजेंट्स कमीशन. एजेंट्स कमीशन क्या रहेगा? यस, सेलिंग ओवरहेड्स. एजेंट कमीशन, सेलिंग ओवरहेड्स. प्लांट मेंटेनेंस. प्लांट का मेंटेनेंस. भाई प्लांट किधर यूज होता है? प्लांट कहाँ रहता है बेटा? फैक्ट्री में ना, है कि नहीं? तो उससे रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस करोगे, दैट विल बी व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. यस, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका, परफेक्ट, परफेक्ट, वेल डन अमोल, वेल डन जयश्री, यस, वेरी नाइस. So, now, after that, rent and lighting. What is given? Rent and lighting. 9/10 for factory. Rent and lighting क्या बोल रहा है बेटा? 9/10 for factory. तो बेटा 9/10 for factory मतलब rent and lighting में 9/10 part आपको factory में लेना है, factory rent and lighting. और remaining 1/10 क्या रहेगा? Office. Yes. Then सॉरी, नेक्स्ट आ जाओ. रेंट एंड लाइटिंग के बाद आपका क्या है? रेंट रिसीव. बेटा रेंट रिसीव कॉस्ट शीट से रिलेटेड है क्या? रेंट रिसीव हुआ, ये तो इनकम हो गया, ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड है ही नहीं. रेंट रिसीव फाइनेंशियल इनकम है, तो ये आपको इग्नोर करना है बेटा. दिस इज टू बी इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट.
रेंट रिसीव, फिर क्या दिया है रेंट ऑफ वेयर हाउस. अच्छा वेयर हाउस का रेंट आया, इसका वेयर हाउस रेंट, तो वेयर हाउस रेंट क्या होगा? यस डेफिनेटली वेयर हाउस किसके लिए यूज करते हो आप? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज ही है ना बेटा, है कि नहीं? सो वेयर हाउस रेंट होगा तो याद रखना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. यस वेरी गुड इशिका, वेल डन, परफेक्ट परफेक्ट जयश्री. यस ठीक है, देन व्हाट इज गिवन रेंट ऑफ वेयर हाउस के बाद सन्ड्री एक्सपेंस. सन्ड्री एक्सपेंस में फैक्ट्री है एंड ऑफिस है, फैक्ट्री एंड ऑफिस. चलो फैक्ट्री वाला तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड्स, कोई इशू नहीं. देन व्हाट इज गिवन? यस वेरी गुड आदर्श. नेक्स्ट बिल्डिंग रिपेयर्स. बिल्डिंग रिपेयर्स में क्या बोलता है? 1/10 फॉर ऑफिस, राइट? 1/10 फॉर ऑफिस. सो 1/10 फॉर ऑफिस में क्या बोल रहा है? बिल्डिंग रिपेयर्स में 1/10, 1/10 फॉर ऑफिस, तो नॉर्मल सी बात है ना. 1/10 फॉर ऑफिस मतलब ऑफिस ओवरहेड, बाकी बचा कितना? रिमेनिंग इज व्हाट? 9/10. तो 9/10 पार्ट ऑफ बिल्डिंग रिपेयर्स विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? फैक्ट्री. सिंपल. तो याद रखना बिल्डिंग रिपेयर्स 1/10 फॉर ऑफिस है, तो बचा कितना? 9/10, वो हम लोग किसके लिए लेंगे? फैक्ट्री बिल्डिंग. ठीक है, मींस फैक्ट्री बिल्डिंग रिपेयर्स. देन मैनेजर सैलरी. मैनेजर सैलरी में क्या बोल रहा है बेटा? फॉर रुपीज फॉर फैक्ट्री रुपीज 12,000. नाउ सी मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी में बोल दिया कि फॉर फैक्ट्री 12,000, तो बचा रिमेनिंग जो भी रहेगा वो ऑफिस के लिए. ठीक है, सो यू कैन सी हियर, जो भी है मैनेजर सैलरी उसमें से 12,000 फॉर फैक्ट्री, तो रिमेनिंग इज फॉर ऑफिस, राइट? तो रिमेनिंग जो भी रहेगा वो ऑफिस सैलरी. ऑफिस सैलरी मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, दैट्स इट. चलो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पता ही है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग. फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग. ऑफिस बिल्डिंग क्या हो जाएगा? ऑफिस ओवरहेड्स. बराबर. फिर आपका क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप. व्हाट इज गिवन? सेल ऑफ स्क्रैप. बेटा स्क्रैप सेल है, स्क्रैप तो पता है ना सबको, फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस जो वर्क ओवरहेड्स रहेगा वहां से हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप डिडक्ट कर देते हैं. सेल ऑफ स्क्रैप मतलब स्क्रैप बेचा तो कुछ इनकम जैसा आ गया, पैसा आ गया अपने को, तो उससे थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. दैट्स इट. तो सेल ऑफ स्क्रैप थोड़ा कॉस्ट अपना रिड्यूस कर देता है बेटा, इसलिए कॉस्ट शीट में से वो माइनस हो जाता है. दैट्स इट. क्लियर? तो ये सेल ऑफ स्क्रैप. ठीक है, चलो किसी को डाउट स्टार्टिंग से लेके ये लास्ट तक आइटम में किसी को कुछ पूछना है, कौन सा नहीं समझा? एजेंट कमीशन पता ही है ना, एजेंट कमीशन तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही हो गया. एजेंट है भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मींस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए ही है ना वो एजेंट. तो एजेंट का जो भी कमीशन होगा, जितना सेल्स कराएगा उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा. ठीक है, सो एजेंट कमीशन इज व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. दैट्स इट. क्लियर? यस. हाँ, रेंट एंड लाइटिंग. रेंट एंड लाइटिंग में डायरेक्टली है, देखो 9/10 फॉर फैक्ट्री बोल रहा है. क्या बोल रहा है बच्चा? रेंट एंड लाइटिंग में बोल रहा है 9/10. 9/10 आपका किसके लिए है? फैक्ट्री के लिए. तो जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा? 9/10, तो इधर 1/10 बचा. ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग. ठीक है, तो अगर 9/10 फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो रिमेनिंग इज व्हाट? 1/10. 1/10 क्या हो जाएगा? ऑफिस. 1/10 पार्ट विल बी व्हाट? ऑफिस ओवरहेड. सिंपल सिंपल, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, मालूम पड़ा? तो याद रखना 9/10 अगर फैक्ट्री है तो 1/10 आपका ऑफिस. सिंपल है, क्लियर है, कोई इशू? बराबर है. और किसको कुछ पूछना है, किसी आइटम में कुछ डाउट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक? पक्का क्लियर? कोई ऐसा आइटम जो नहीं समझा रहेगा? ओके क्लियर है सब? ठीक है, समझ जाना रेंट एंड लाइटिंग वाला बेटा. यस, 9/10 फैक्ट्री है तो रिमेनिंग विल बी फॉर ऑफिस, तो बाकी जो रहेगा वो ऑफिस रेंट एंड लाइटिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो ओके ओके. चलो नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. आ जाओ आगे. नीचे क्या दिया अपने को? यू कैन सी हियर ऑल, यू ऑल कैन सी हियर व्हाट इज गिवन. सी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज व्हाट? 1,95,000. देखो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है,
तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल पे जो फॉर्मूला यूज करते हो. अभी डायरेक्ट मटेरियल हेडिंग रहेगी, उसमें फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो बस उधर ही माइनस कर देने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिंपल है कि नहीं. एंड वर्क इन प्रोग्रेस 78,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,95,000 और वर्क इन प्रोग्रेस है 78,000. तो दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो भी माइनस कर देने का, सिंपल, वो भी आपको डिडक्ट कर देना है. ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, आउट ऑफ विच 7,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड. बराबर है, क्या बोल रहा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,95,000, वर्क इन प्रोग्रेस 78,000. वर्क इन प्रोग्रेस तो आप क्या करोगे बताइए, वर्क इन प्रोग्रेस भी क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा. फिर ड्यूरिंग द, अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस कहां से डिडक्ट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड से. नाउ ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस, ड्यूरिंग द ईयर व्हाट, 1,50,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ विच 7,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड. अब देखो आपको यूनिट प्रोड्यूस कितना बोला, ये यूनिट प्रोड्यूस है आप, राइट, यूनिट्स प्रोड्यूस है आपका 1,50,000. ठीक है, 1,50,000 इज व्हाट योर यूनिट्स प्रोड्यूस, आउट ऑफ विच 7,000 रिमेन अनसोल्ड. आउट ऑफ विच व्हाट, 7,000 आपका अनसोल्ड है, मतलब ये 7,000 क्या हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक, अब आप सेल किसका करते हो, फिनिश गुड्स का ही ना, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया. तो याद रखना इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना यूनिट्स है आपके पास, 7,000 यूनिट्स है. ओके, यूनिट प्रोड्यूस आपको पता है, यूनिट प्रोड्यूस आपका कितना है, 1,50,000, याद रखना 1,50,000. ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया बेटा आपने को, 7,000. ओके, तो ये सब डेटा याद रखना, बस माइंड में रखना, उसी के बेसिस पे आपने को कैलकुलेशन करना है, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट. चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, सो गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन. चलो फॉर्मेट बना लो, पूरा क्वेश्चन देख लिया, किसी को कोई इशू क्वेश्चन समझने में, कोई डाउट, कोई भी एक स्टेप जो नहीं समझा रहे तो बोलो, क्लियर है तो लेट्स सॉल्व इट. क्लियर, ओके, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है पक्का. चलो सो लेट्स सॉल्व इट, आ जाओ. So let's get ready everyone. Directly for solving this sum, directly solution, company name at the top, और company name के बाद वो cost sheet for the year ended लिख लेना, cost sheet for the year ended 31st March क्या 2020. तो see ये एकदम top पे रखना, इधर क्या हो जाएगा, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, कंपनी का नाम, माय कंपनी नेम इज व्हाट ऑन टॉप, एट द टॉप दैट इज मिसेस अश्विन, Mrs. Ashwin Manufacturing Company Limited. That's it. Clear? Okay. So this is what your normal format. Chalo, step, element of cost, total cost, units, cost per unit. Up. Let's start. Direct material. सबसे पहला direct material. अब direct material में formula use करो आपका. क्या formula है? Opening stock of raw material. डायरेक्ट मटेरियल में फॉर्मूला यूज कर लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, यस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है आपका कितना, क्वेश्चन में देखा कितना था, 180 ना. ओके चलो इनर कॉलम में लिख दो क्योंकि और भी है ना, फॉर्मूला यूज होएगा पूरा.
फिर उसके बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आउट होगा. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल RM. अच्छा परचेज आपका कितना था क्वेश्चन में, 4,95,000 था, बराबर है 4,95,000. ये देखो यू ऑल कैन सी हियर दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था आपका 1,80,000, परचेज आपका रॉ मटेरियल का 4,95,000 है. ओके परचेज से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है क्या, परचेज एक्सपेंसेस, यस कैरेज इनवर्ड है, देखो इधर कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेज, ठीक है बराबर. और उसके बाद माइनस क्या होता है, कैरेज माइनस क्या होगा अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या अपने पास, देख लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, यस इट इज, सी इट इज गिवन हियर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो पूरा फॉर्मूला यूज करते जाओ. तो सबसे पहले क्या हो गया अपना, यस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया प्लस परचेज एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड. सो प्लस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज व्हाट, परचेज एक्सपेंस, परचेज के टाइम का एक्सपेंस है, परचेज के टाइम पे कैरेज इनवर्ड देना ही पड़ेगा, हाथ में उठा के तो लाएगा नहीं, कुछ तो ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा ना आपको. सो कैरेज इनवर्ड, अभी कैरेज इनवर्ड कितना है अपना 3,000, ठीक है. चलो गेट द टोटल, टोटल कर लो, और तो कुछ प्लस करने के लिए है नहीं. सो गेट द टोटल 1,80,000 प्लस 4,95,000 प्लस 3,000, कितना आया टोटल बताओ. सब लोग अपना कैलसी यूज करना. ओके वेरी गुड, वेरी गुड मोमिता, वेल डन. इशिका 6,78,000. ओके वेल डन रामकरण. सो टोटल आ रहा है 6,78,000. वेल डन एवरीवन, वेल डन. 6,78,000 इज द टोटल, यस वेल डन कृष्णा. चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम हियर, वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा, 1,95,000. ओके सो ये लेस करना है आपको. चलो सो 6,78,000 माइनस 1,95,000 कितना आ रहा है आंसर फाइनली, 6,78,000 माइनस 1,95,000. यस वेल डन इशिका, वेल डन साक्षी, परफेक्ट, वेल डन मोमिता, यस वेल डन मोमिता, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश. ओके वेल डन एवरीवन. चलो तो आपका जो आंसर आया वो आया 4,83,000, 4,83,000 आया. एंड दिस इज व्हाट नेट मटेरियल कंज्यूम, यही हो गया अपना क्या, नेट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया. दिस इज व्हाट आर रॉ मटेरियल कंज्यूम, व्हिच इज रिटन एज, व्हिच कैन बी रिटन एज नेट मटेरियल consumed, ठीक है, net material what बेटा consumed, that is 4,83,000, that's it, okay, net material consumed आ गया आपको. अच्छा अभी आपको पता है ना starting से लेके till cost of production तक आपको क्या लेना है, unit produce. तो चलो unit produce कितना आपका, 1,50,000 units है. कैसे मालूम पड़ा, इधर देखो, your unit produced, see here. During the year, 1,50,000 units were produced. ठीक है? So 1,50,000. अब 4,83,000 को 1,50,000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है? बोलो. Okay. 3.22. क्या बात है? Very good. So कैलसी लेना सब लोग, directly अपना अपना कैलसी use करो. 4,83,000 बराबर है डिवाइड बाय क्या करने का, 1,50,000, ठीक है. सो वेल डन एवरीवन, वेल डन, परफेक्ट, 3,00,000, 3
0.22 आ गया अपना, यस शाबाश। चलो सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट मटेरियल। चलो डायरेक्ट मटेरियल के बाद अभी क्या आएगा अपना नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस, बी डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट वेजेस तो अपने को डायरेक्टली दिया है, कितना है 318,000, यस और नो, 318,000 बराबर। चलो इसमें भी वही यूनिट प्रोड्यूस कितना है 1,50,000। अब ये 1,50,000 यूनिट प्रोड्यूस ये कंटिन्यू जाएगा टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, याद रखना। सो 1,50,000 है, चलो 318,000 डिवाइड बाय 1,50,000, जरा कॉस्ट पर यूनिट निकालो कितना आ रहा है इसका कॉस्ट पर यूनिट। वेरी गुड इशिका, वेल डन मोमिता, परफेक्ट 2.12, क्या बात है, शाबाश, यस वेल डन अमोल, 2.12, यस परफेक्ट साक्षी, वेरी गुड, वेल डन रामकरण, शाबाश। चलो तो ये हो गया 2.12, गुड। चलो डायरेक्ट वेजेस के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या अपने पास, पहले वो देख लेना फिर लिखना, अदरवाइज जरूरत क्या लिखने की। इज देयर अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इज देयर एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो था नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन देखा कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो डायरेक्टली अब क्या कर लो, सबका टोटल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। चलो सो व्हाट यू विल गेट बच्चा, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। सो सी इज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो 483 प्लस 318 कितना हो गया, 801,000, और ये 1,50,000, सो 801,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 1,50,000 तो कंटिन्यू जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस कंटिन्यू जाएगा टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। सो 801,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आ रहा बेटा आंसर पर यूनिट, 5.34, ओ वेरी गुड, वेल डन मोमिता, वेल डन इशिका, 5.34, वेल डन अमोल, परफेक्ट परफेक्ट, राइट। तो प्राइम कॉस्ट तक डन हो गया अपना, क्लियर है, यस वेल डन कृष्णा, परफेक्ट, वेल डन जयश्री, यस परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन। चलो प्राइम कॉस्ट के बाद पता ही है क्या करते हैं स्टार्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आएगा अपना वर्क ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट के बाद उसमें वर्क ओवरहेड ऐड होगा, ठीक है। सो प्राइम कॉस्ट तक हो गया सबका डन, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, वर्क ओवरहेड्स, क्या बेटा वर्क ओवरहेड्स, अभी बेटा वर्क ओवरहेड्स में जितने भी वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड मींस व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड, अब जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स थे जो हमने पूरा क्वेश्चन में देखा वो सब अपने को लाइन बाय लाइन नोट डाउन करना है, तो लेट्स गेट रेडी। चलो वर्क ओवरहेड्स में अपने पास क्या क्या था, काफी सारे आइटम्स थे, ये देखो सी एवरीवन, वर्क ओवरहेड्स में आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था, वर्क ओवरहेड्स में आएगा वो तो लास्ट में आएगा प्लस हो जाएगा, और क्या क्या था वर्क ओवरहेड्स में, पावर है, फिर प्लांट मेंटेनेंस है, रेंट एंड लाइटिंग में 9/10 पार्ट आपका वर्क ओवरहेड से रिलेटेड है, यस वेरी गुड रामकरण, परफेक्ट, यस। फिर आपका रेंट ऑफ किधर गया, फैक्ट्री का रेंट, ये तो हो गया फैक्ट्री रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री है याद रखो, बिल्डिंग रिपेयर्स है, बिल्डिंग रिपेयर्स में क्या बोल रहा है 1/10 फॉर ऑफिस, तो 9/10 किसके लिए हो जाएगा, फैक्ट्री के लिए, बराबर है, तो ये भी है, और कुछ है क्या, देयर एनीथिंग, यस देखो बिल्डिंग रिपेयर्स भी है आपके पास, बिल्डिंग रिपेयर्स, वो बिल्डिंग रिपेयर्स में 1/10 फॉर ऑफिस है तो 9/10 फैक्ट्री के लिए हो गया, यस और नो। फिर मैनेजर का सैलरी भी है फैक्ट्री के लिए 12,000, मैनेजर का सैलरी याद रखना फैक्ट्री के लिए 12,000। फिर डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट है, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिशिएशन भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है, और सेल ऑफ स्क्रैप भी आपका इससे रिलेटेड है फैक्ट्री से। तो देयर आर सो मेनी आइटम्स, काफी सारे आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड्स में,
तो स्टेप बाय स्टेप आ जाओ दिखाओ चलो. सो देर आर सो मेनी आइटम्स इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. आ जाओ वन बाय वन. सबसे पहले अपना क्या था, जो भी था दिखाते जाओ सब. पावर भी है अपने पास, पावर सिर्फ पावर रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड है ठीक है, और अगर डायरेक्ट पावर आया तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ट्रीट करना. देखो पहला स्टार्टिंग अपना किससे हुआ था, स्टार्टिंग तो फिलहाल ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आप उसको लास्ट में ऐड करोगे ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. ये स्टॉक वाला आइटम एकदम लास्ट में करना है बराबर. पहले सारे एक्सपेंसेस तो कर लो, एक्सपेंसेस कर लो, स्क्रैप माइनस कर लो, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिड दैट सिंपल बराबर. ओके तो चलो स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करो, क्योंकि ये अपने को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो कल है अपना. चलो पावर, पावर कितना था अपना, सब इधर कॉलम में लिख दो पहले. पावर इज व्हाट 10,500. पावर इज व्हाट बेटा 10,500. देन प्लांट मेंटेनेंस, चलो प्लांट मेंटेनेंस कितना है 37,500. यस वेरी गुड, वेल डन बेटा. चलो और स्टेप बाय स्टेप ठीक है, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अपना. अभी लेक्चर फिनिश हो जाएगा थोड़ी देर में. पावर है, प्लांट मेंटेनेंस है, फिर वैसे ही रेंट एंड लाइटिंग. तो कल मैं डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करूंगा वर्क ओवरहेड्स, रेंट एंड लाइटिंग बराबर है. रेंट एंड लाइटिंग में क्या बोल रहा है, 9/10 फॉर फैक्ट्री, 9/10 ठीक है, 9/10 ऑफ व्हाट, अमाउंट देख लेना. रेंट एंड लाइटिंग का अमाउंट कितना था उसका 9/10. तो ये कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, वैसे भी स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं इसको वर्क ओवरहेड के स्टार्टिंग से. रेंट एंड लाइटिंग में 1,05,000 का 9/10 निकालो कितना आ रहा है,